नमस्कार क्लास 9 हिंदी की कक्षा में स्वागत अभिनंदन और आभार बेटा आप सभी का। जैसा कि आप परिचित हो चुके हैं, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन के पाठ पांचवा पाठ है, जिसका शीर्षक दिया गया है यहाँ पे हामिद खान के साथ उपस्थित हुए हैं। अब ये हामिद खान कौन है, जो पाठ के लेखक है एस के पट्टेकार, उनका हामिद खान से परिचय कब हुआ, हामिद खान किन परिस्थितियों में लेखक की मदद कर पाया, लेखक उस समय पाकिस्तान क्यों गया था, पाकिस्तान में उनको एकमात्र अपना साथी हामिद खान ही मिला था, हामिद खान ने लेखक की किस तरह से मदद करी, और जब लेखक वहां अपनी मेहमान नवाजी करवा करके जब भारत आए तो उन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं के विषय में पढ़ा जिसकी वजह से उनको सबसे पहले हामिद खान की ही चिंता सताने लगी और वे ये सोचने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे हामिद खान और उसकी दुकान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, तो अब एस के पोटेकार जो है वो तक वहां पाकिस्तान क्यों गए थे, कोई युद्ध हो गया था क्या? नहीं, क्यों गए थे आपको पता है? उस समय हमारे भारतवर्ष में बहुत महान शिक्षण केंद्र माने जाते थे, कौन से? एक तो अंजी योजना। हेलो मैम, मैम पीछे से आवाज आ रही है ज्यादा। अच्छा, अब ऐसे में बोलूं तो अब साफ सुनाई दे रहा है या अभी भी ऐसा आ रहा है? साफ तो सुनाई दे रहा है पर पीछे से आवाज आ रही है बहुत। हाँ, मैंने बताया ना अभी दो क्लासेस और चल रही है, वो कंप्यूटर लैब में बैठने की वजह से ऐसा शोर हो रहा है। आज अच्छा, आज थोड़ा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, आज एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट मीटिंग में अपन थोड़ा कोशिश करेंगे किसी और जगह पे बैठने। ओके मैम, ओके, कोई बात। चलिए हाँ जी, क्लास 9 हमारा शीर्षक है पाठ का हामिद खान, लेखक है इसके एस के पोटेकार। देखिए शुरुआत कैसे होती है। तक्षशिला में आगजनी, आगजनी का क्या अर्थ होता है? सांप्रदायिक दंगे, लड़ाई, मारकाट, है ना। समाचार पत्र की ये खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खान याद आया। मुझे किसे? एस के पोटेकार को। पाकिस्तान में इस तरह की जैसे ही दंगों की खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी तो लेखक कहते हैं मुझे सबसे पहले और किसी की नहीं सिर्फ हामिद खान की याद आई, और मैंने क्या किया, मैंने भगवान से विनती की, रिक्वेस्ट की, भगवान से प्रार्थना की, क्या की, हे भगवान मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना, कि भगवान जी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हामिद खान और उसकी दुकान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। आगजनी बेटा इस तरह के सांप्रदायिक दंगे होते हैं जिसमें व्यक्ति जो है खुद एक हथियार बनकर के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, कई लोगों के जीवन की लीलाओं को समाप्त कर देता है, खूब मारकाट मच जाती है। ठीक है, अब लेखक याद कर रहा है और हमारे समक्ष इस बात को साझा कर रहा है कि वो तक्षशिला क्यों गया था। देखो अभी 2 साल ही तो बीते थे जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था, यानी पहले तक्षशिला हमारे भारत का ही हिस्सा था लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो तक्षशिला नामक जो शिक्षण केंद्र है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया और नालंदा बिहार की साइड में हमारे देश में रह गया। तो लेखक कहता है कि मैं 2 साल पहले ही तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने के लिए वहां पाकिस्तान गया था। अब कैसी परिस्थितियां थी, वातावरण कैसा था, प्राकृतिक, एक ओर तो कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील दूरी पर बसे एक गांव की ओर मैं निकल पड़ा। देखो कड़क धूप है, भूख प्यास भी लग रही है और उस पर पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है। लेखक कहता है हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, यानी हाथ में रेखाएं जिस तरह से बनी होती है उस तरह की गलियां बनी हुई थी उस बाजार के अंदर, जो बहुत तंग थी, तंग यानी संकरी थी, बहुत छोटी छोटी थी, जिसमें चलने की जगह या स्पेस पूरा नहीं था। जहां कहीं भी नजर पड़ती धुआं, मच्छर, गंदगी से भरी जगह दिखाई देती, कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की भी बदबू ने स्वागत किया। कैसा हाल मचा हुआ है। अब वहां पे एक लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते हुए नजर आ रहे हैं, अलमस्त यानी मस्त मौला होकर के, बिल्कुल बेफिक्र होकर के। अब आपको पता है कुर्ते पजामे पहने हुए जो लोग होते हैं, ऊपर साफा बांधे हुए होते हैं, इस तरह की
पठानी लिबास पहने हुए लंबे कद के जो व्यक्ति हैं वो अपनी मस्त मस्तानी चाल चलते हुए दिखाई दे रहे थे, रास्ते में चल रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया लेकिन अभी तक कोई होटल ही नजर नहीं आया। मन में विचार आया कि शायद इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी, क्योंकि इतनी तंग तंग गलियां हैं, इन गलियों में जगह जगह पे धूल धुआं इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ होटल की तो आवश्यकता है ही नहीं। जगह जगह पे कुछ ना कुछ पकता और बनता दिखाई दे रहा है। अचानक एक दुकान पर नजर गई। अब लेखक कहता है, जैसे ही मेरी नजर वहां गई जहाँ चपातियां सेकी जा रही थी। अब आप सोचो बेटा जी, एक तो भूख लग रही है अपने को और फिर उसमें रोटियां सिकने की सौंधी सौंधी खुशबू अपने नाक तक पहुंच रही है, वो अपने भूख को अंदर से और बढ़ा देती है और अपने आप ही मुंह में पानी आने लग जाता है कि जल्दी सी भोजन परोसा हुआ थाल मेरे सामने आ जाए और मैं डट कर खाना खा लूं, है ना। चपातियों की सौंधी सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप ही उस दुकान की ओर मुड़ गए, क्योंकि लेखक को खुद को भूख लग रही थी। अब वो उस दुकान की ओर चल पड़ा। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को रेखांकित कर लीजिए। इस लाइन से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को किस तरह से आपको तैयार करना है वो भी मैं बताऊंगी। जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही सबसे ज्यादा रक्षक और सहायक होती है। आप जब किसी अन्यत्र स्थान पर जाते हो जहाँ आपको कोई नहीं जानता है, उस स्थान पर जब आप जाते हो तो आपकी जो चेहरे पे मुस्कान है वही आपकी सबसे बड़ी सहायक और रक्षक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जिन अनजान लोगों के बीच में आप पहुंचे हुए हो, उन अनजान लोगों के बीच में अगर आपको उनसे अपना परिचय करवाना है या उनसे किसी तरह की मदद लेनी है तो चेहरा आपका स्माइलिंग फेस वाला होना चाहिए, है ना। तभी लोग जो है हिल मिलकर खुलकर और अपनी इच्छा से आपकी मदद के लिए तत्पर होते हैं, ठीक है। तो लेखक कहते हैं, मैं भी मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर घुस गया। ये देखो, यहाँ ये हामिद खां है, यहाँ ये लेखक है और ये हामिद खां के पिता है, ठीक है। हामिद खां के हाथ में देखो आटे का जो गोल गोल बॉल होती है वो है, इससे ये रोटियां बनाएगा, रोटियां सेकेगा। और लेखक जो है वो एक टेबल पर बैठा, टेबल के पास बैठा चेयर पे और वेट कर रहा है जल्दी सी रोटियां सिक कर थाली में परोस कर मेरे सामने आ जाए। अब देखो लेखक परिचय करवा रहा है, किसका परिचय करवा रहा है? एक अधेड़ उम्र का पठान। अधेड़ उम्र होता है यानी जो अपनी उम्र का आधा पड़ाव पार कर चुका है, यानी 50 से अधिक उम्र का, ठीक है। अधेड़ उम्र का एक पठान जो था अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। अब दिमाग में प्रश्न आता है, अंगीठी क्या होती है भाई? आपको उसको स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया जाता है? सिगड़ी। सर्दियों में देखा है लोहे का एक ऐसा वो ढांचा सा बना होता है जिसमें हीटर की तरह ऊपर जाली लगी रहती है और नीचे उसमें एक जगह होती है जिसमें कोयले भर दिए जाते हैं, उन कोयलों को जला दिया जाता है। जब कोयले अच्छे से जल करके अंगारों का रूप ले लेते हैं तो उन अंगारों पर क्या करा जाता है? रोटियां सेकने का कार्य किया जाता है। उस अंगीठी पर वो सिर झुकाए रोटियां बना रहा था। लेखक कहता है, मैंने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया वो अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई अंतर नहीं आया। होते हैं ना बेटा, कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप स्माइल करके स्माइल दोगे तो भी वो बंदा गौर से आपका चेहरा देखता रहेगा, उसका रिस्पॉन्स वापस स्माइलिंग फेस में नहीं आएगा। फिर आप कैसा फील करोगे? एक बार तो अपने डर जाएंगे कि यार गजब का आदमी है, मैं तो हंस करके उसका देख रहा हूँ और उसने किसी तरह से छोटी सी मुस्कुराहट से भी मेरा स्वागत नहीं किया। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। अब बेपरवाही से यानी निश्चिंत होकर बिना परवाह किए एक टक नजर देख कर मेरे को देखे जा रहा था। तो मैं डर गया, मैंने धीमी आवाज में पूछा, खाने को मिलेगा कुछ? तो वो बोला वापस से, वहां बैठ जाइए, चपाती और सालन है। सालन क्या होता है? हरी तरकारी, हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, चपाती यानी रोटियां, ठीक है। लेकिन उनकी हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सालन, हरी सब्जियों में भी क्या डाल दिया जाता है वहाँ? वो जो भोजन है वो शुद्ध शाकाहारी नहीं रहता है, उसमें कुछ मांसाहारी रूप उसका बन जाता है। अब उस बंदे ने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा,
लेखक कहते हैं कि मैं उस बेंच पे जाकर बैठ करके रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर अच्छे से झांक कर देखा, बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, बेतरतीबी यानी बेढंगते, बिना किसी ढंग के, बिना किसी अच्छे तौर तरीके के, यूं ही क्या कर दिया वहां पे एक जो आंगन था उसको अच्छे से क्या कर दिया, लीपा गया था। आपको पता है पुराने समय में जो आंगन होते थे उन आंगन में टाइल्स वगैरह थोड़ी लगी होती थी, सीमेंट के फर्श भी नहीं होते थे। उससे पहले भी वो क्या करते थे, गोबर वगैरह लेकर के उसको गीला करके पूरे घर में उसको लीपा करते थे। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं उस दुकान को अच्छे से निहार रहा था, मैंने देखा बेढंगा जो आंगन था वो लीपा हुआ था, दूर से सनी दीवारें और दीवारों पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी, एक कोने में एक खाट पड़ी थी। खाट का अर्थ होता है, खाट का क्या अर्थ होता है, जिसे आप चारपाई भी बोलते हो, जिसे आप माचा भी कह सकते हो। एक कोने में खाट पर पड़ी हुई थी, एक कोने में खाट पर पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोने टेके हुए हिक्का उक्का पी रहा था। तो इस साइड में एक खाट पड़ी थी, उस खाट पर एक दड़ियल यानी दाढ़ी वाला बुढ़ा आदमी था, और वो बुढ़ा जो है गंदे मैले तकिए के ऊपर अपनी कोहनी टिका करके हुक्का पी रहा था। हुक्का जानते हो ना, धूम्रपान निषेध है, लेकिन फिर भी क्या है, इन सारी चीजों के विषय में कहीं ना कहीं हमें देखने और सुनने को मिल जाता है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को बुला रखा था, यानी उसको किसी दुनिया के कोई कार्य से मतलब नहीं था, वो बिल्कुल बेफिक्र था और सिर्फ हुक्के की बुड़बुड़ 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 उसको अंदर लेता था, फिर धुआं निकालता था, फिर बुड़बुड़ 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 अंदर उसको खींचता था, फिर धुआं बाहर निकाल देता था। इस तरह वो अपने आप में ही मस्त था। अब देखो, चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने मुझसे पूछा, क्या पूछता है, देखो भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने जवाब दिया मलाबार के। मलाबार तट आपने सुन रखा है, इंडिया के सबसे नॉर्थन भाग में है मलाबार तट, है ना। तो देखिए, उसने ये नाम नहीं सुना था, इसलिए आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए फिर से उसने पूछा, मलाबार ये हिंदुस्तान में ही है ना? तो लेखक कहते हैं, मैंने जवाब दिया हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। ठीक है, तो फिर से उस हामिद खान ने प्रश्न किया, क्या आप हिंदू हैं? लेखक जवाब देता है हाँ, एक हिंदू घर में मैंने जन्म लिया है। फिर उसने एक फिक्की सी मुस्कुराहट के साथ फिर से पूछा, क्या पूछा, देखो आप हिंदू हैं और मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो लेखक जवाब देता है क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं खाऊंगा, हमारे यहाँ तो अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी है या बढ़िया पुलाव खाना है तो बेखटके लोग मुसलमानी होटल में जाया करते हैं, बिना किसी खटके या बिना किसी आवाज या बिना किसी शोर के चुपचाप जो है उठकर वो वहां जा करके अपने जो मुसलमानी खाद्य व्यंजन है उनका आनंद उठाते थे। आपको पता है जब भी ईद आती है तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम आपस में मिठाइयों के द्वारा एक दूसरे का बधाई और शुभकामना संदेश देते हैं, देते हैं ना। और जब हमारी दिवाली या होली आती है तब भी हम अपने मिठाई के साथ अपने मुस्लिम भाई लोगों का स्वागत करते हैं, उनको अपनी मिठाइयां भेजते हैं और अपने त्योहार में शरीक होने के लिए भी मनाते हैं। तो अब लेखक ने जैसे ही कहा कि भाई तुम हिंदू और मुसलमानी ढाबों में आकर के खाना खाओगे, तो फिर लेखक ने जवाब दिया कि भाई मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह पे तो अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी है तो मुसलमानी होटल में ही जाते हैं, और किसी को बढ़िया पुलाव खाना है तो हम अपने आप ही मुसलमानी होटल में चले जाते हैं। अब जैसे ही लेखक ने ये बात बोली, हामिद खान को तो विश्वास ही नहीं हुआ। लेखक बता रहे हैं, देखो वह मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, हम सब मिलकर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण कराया,
वो हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडुगल्लूर में है। कोंडुगल्लूर में है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के दंगे नहीं के बराबर होते। अब बताओ कितनी अच्छी बात बताई है यहाँ लेखक ने, क्या बताता है कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है, हम सब मिलकर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण कराया था वो भी हमारे राज्य के ही एक स्थान है कोंडुगल्लूर, वहां पर है। और हमारे साथ हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे नहीं के बराबर होते हैं। अब लेखक ने ये बात जैसे ही आमिर खां को कही, आमिर खां को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और कहा, क्या कहता है देखो, काश मैं आपके मुल्क में आकर के ये सब अपनी आंखों से देख सकता। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, काश मैं भी आपके मुल्क में आकर के ये सारी बातें अपनी आंखों से देख पाता। अब देखिए बेटा, भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन तो हो गया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम सभी परस्पर सद्भाव से रहने लगे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वहां सद्भाव बिल्कुल भी नहीं था, वो सांप्रदायिक दंगों में बदल चुका था। और इन्हीं सांप्रदायिक दंगों की वजह से जो है वहां आगजनी जैसी घटनाएं हमेशा होती रहती थी, अर्थात वहां पर क्या होता था, लड़ाई दंगे और मारकाट हमेशा बनी रहती थी। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ लेखक ने जैसे ही बताया कि भाई हम हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, हमारे बीच में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, तो लेखक को विश्वास ही नहीं हुआ। अब लेखक क्या कहते हैं कि काश मैं आपके मुल्क में आकर के ये सब अपनी आंखों से देख पाता। तो यहाँ हामिद खान ने अपने मन की इच्छा रख दी कि अगर आपके वहां पर सारे इतने सद्भाव से रहते हैं तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपके देश में आकर के इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देख सकूं, ताकि मुझे ये विश्वास हो जाए कि हिंदू और मुसलमानों में तुम्हारे बीच में किसी तरह की कोई लड़ाई, किसी का प्रकार का कोई दंगा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहां पर सारे लोग कैसे रहते हैं, बड़े ही प्रेम और सद्भाव के साथ रहते हैं। अब वो क्या कहता है देखो, आमिर खां कहते हैं भाई मुझे तो आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया, पर मैं इस बात पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हो, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही भी बात को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कहता। फक्र के साथ यानी अभिमान के साथ, गर्व के साथ। अब कोई भी हिंदू इतनी बात कि भाई हमें कुछ भी खाना हो तो हम मुसलमानी होटल में पहुंच जाते हैं, हम परस्पर सद्भाव से रहते हैं, हमारे बीच में दंगे बिल्कुल भी नहीं के बराबर होते हैं, तो कहते हैं कि अगर मुझे ये तो पता चल गया कि ठीक है आपके वहाँ पे सारे लोग अच्छे से रहते होंगे, लेकिन मैं इस बात पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हो, क्योंकि यहाँ हिंदू जो है, हिंदू आपकी कई भी बातों पर इतने फक्र से कोई मुसलमान से कह ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरों के प्राणों के बैरी बने रहते हैं। लेकिन देखिए अमित खान खुद कह रहे हैं कि हिंदुओं की नजर में हम आतताइयों की औलादें हैं, यानी आक्रमणकारियों की, दंगा फसाद करने वालों की, लूट हत्याएं करने वाले लोगों की औलादें हैं, हमें इस हालत में अपनी जान के लिए लड़ना पड़ता है और यही हमारी नीयति है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी, तो मैंने उससे पूछ लिया भाई आपका नाम क्या है, तो उसने जवाब दिया हामिद खां, और वो जो चारपाई पर बैठे हैं ना, वो जो हुक्का गड़गड़ा रही हैं, वो मेरे अब्बा जान है। अच्छा आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालाना विपक रहा है और मैं इंतजार करने लगा। ठीक है, अब जैसे वो इंतजार करने लगा तो हामिद खान ने एक बच्चे को आवाज लगाई, अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई, तो एक छोकरा जो है दौड़ता हुआ आया और आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। क्या काम कर रहा था, आंगन में एक चटाई यानी मैट या कारपेट वो इस तरह से बिछा करके उस पर लाल मिर्च सुखाने का कार्य कर रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उससे कुछ आदेश दिया। पश्तो भाषा का अर्थ होता है सबसे प्राचीन भाषा, पश्तो भाषा सबसे प्राचीन भाषा। हामिद खान ने उस छोटे से बच्चे को पश्तो भाषा में एक आदेश दिया।
वो दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा और उस आदेश को पाकर के वो बच्चा दुकान के पीछे के हिस्से की तरफ भागा। अब वापस से अमित खान बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो भाईजान, जालिमों की दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है, किसी पर धौंस जमा कर या किसी को मजबूर करके प्यार मोल नहीं ले सकते, और ईमानदार ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हो, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वो अंगीठी के अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। यानी इन सारी बातों को उसने किसके समक्ष रखा, लेखक के समक्ष रखा, और लेखक ने अपनी सारी बात जो है वो यहाँ साझा करी है कि किस तरह से अमित खान से उसका परिचय हुआ और अमित खान जो है उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वहां रहने वाले हिंदू जो है वो मुसलमानों को आक्रमणकारियों की, दंगा फसाद करने वाले लोगों की औलादे समझते हैं, और इसी कारण वो जो है हिंदू और मुसलमानों में वहां पे दंगे और लड़ाई मौजूद है। तो अब लेखक के सामने हामिद खान ने कहा, भाई आपकी आप बहुत ईमानदार हो और आप सभी के प्रति बहुत स्नेह रखने वाले हो, तो आपकी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े, और मुसलमान और हिंदू ईमान से आपस में मोहब्बत कर ले तो कितना अच्छा होगा। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर वहां से उठ खड़ा हुआ। अब जो लड़का पिछवाड़े की तरफ गया था वो क्या लेकर आया, जो लड़का पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। अमित खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी और फिर यहाँ पर अमित खान ने उसके सामने 3-4 चपाती फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा हुआ एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया और लेकर कहता है, मैंने बड़े चाव से खूब पर भरपेट अन्न खाया, है ना, खाना खाया, अन्न खाया और पेट भर लिया। तो अब लेखक ने तो पेट भर लिया, लेकिन लेखक ने हामिद खान से जो परिचय प्राप्त किया था, जब लेखक वहां से रवाना होता है तो हामिद खान उससे रोटियां और भोजन की फीस लेगा कि नहीं लेगा, अगर नहीं लेगा तो उसके पीछे वो क्या लॉजिक देगा। और यहाँ इस पाठ के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के परस्पर संबंधों के विषय में ज्ञान जो है वो बांटा गया है। जिससे यहाँ बताया गया है कि पुराने समय में हिंदू मुसलमानों में जिस तरह का भेदभाव बढ़ गया था, वो भेदभाव जो है वो हर चीज में आर्थिक समृद्धि पर आकर के रुक जाता है, है ना, आर्थिक समृद्धि पर आकर के इसलिए रुक जाता है क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग है वो क्या करते हैं, वो हिंदू लोग वहाँ के ऐसी सोच रखते हैं क्योंकि वहां दंगे बहुत होते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रति बैर भाव रखते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो भी गलत काम हो रहा है ये उनकी वजह से हो रहा होगा। तो हामिद खान के सामने जब लेखक ने बताया कि हमारे मल्लाभर में तो सब प्रेम से रहते हैं, दंगे तो नहीं के बराबर होते हैं, तो हामिद खान कहता है, मेरे को आपकी बात पर विश्वास नहीं है, चलो मैं तो विश्वास कर लूं, लेकिन यहाँ रहने वाला कोई भी हिंदू जितनी फक्र के साथ आप बात कह रहे हो उतनी फक्र के साथ कोई कह भी नहीं सकता। तो अब जब लेखक को उसने खाना खिला दिया तो लेखक ने खाना खाने के पश्चात उसको, भाई खाना खाया है होटल में घुसा है तो कुछ ना कुछ पेमेंट तो देगा ही ना, उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे तो वो वहां पे खर्चेगा ना। अब उस खर्चे गए पैसों को हामिद खान अपनी जेब में रखता है कि नहीं रखता, हामिद खान बदले में लेखक को क्या कहता है, किस तरह वो अतिथि देवो भव के भारतीय सांस्कृतिक मूल्य को अपने जीवन में अपनाता है, किस तरह से वो अपने घर आई अतिथि की मेहमानी करते हुए उसको वहां से विदा या सीख दे देता है, और लेखक जब अपने घर भारत लौटता है तो उसको इस तरह की न्यूज़पेपर में खबर पढ़ने के बाद सीधी हामिद खान की याद आती है और उसकी रक्षा का की प्रार्थना जो है भगवान से करने लगता है। इन सारी बातों की जानकारी हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आज तक अभी जो ये चैप्टर पढ़ा है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि मल्लाभर के अंदर हिंदू और मुसलमानों के कैसे संबंध थे, और हामिद खान ने जिस हिसाब से बताया है कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों में किस तरह की बैर भाव या सांप्रदायिकता बढ़ी हुई थी, है ना, सद्भाव समाप्त हो चुका था, इन सारी चीजों की आपने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है, आगे कल की कक्षा में हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।